चाहे देखने में हमारा राजा गोट हो, पर इसके अंदर का खून ना दिल्ली के एक पंजाबी लड़के का है। अब ऐसा क्यों है ये बताने से पहले आइए चलते हैं राजा के पास और देखते हैं उसकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। राजा, क्या बदतमीजी है ये? जब देखो चोरियां करता रहता है, चल बाहर निकल। ये क्या हो गया? देखो इस भुक्कड़ को गेट खुला नहीं किए पूरा का पूरा खाना चट करने के लिए आ जाता है। राजा तू अंदर क्या कर रहा है? चल बाहर, चल। जब देखो तो खाना ही खाता रहता। चल बाहर, चल बाहर, चल। जब देखो यार ये खाने आ जाते हैं। हर रोज खाने आ जाता है मेरे पास ये। जब भी देखो तो थोड़ी देर में यहाँ खाने आ जाएगा। किसी के हाथ में खाना दिखा तो खाया और अपना मतलब पूरा होते ही फुर। अब खाने के बाद शुरू होती हैं इसकी गेड़ियाँ। ये पूरे फार्म का हर एक कोना कवर करता है और कभी कभी तो सीधे गेट के बाहर। ये वापस जाने को तैयार ही नहीं होता। चल चल, चल। इसका पेट्रोल कभी खत्म ही नहीं होता। जब बदलते मौसम के साथ चरवाहे अपनी जगह बदलते हैं ना, तो कमजोर या घायल जानवर कई बारी पीछे छूट जाते हैं, और शायद यही राजा के साथ भी हुआ। अब एक कपल ट्रैक कर रहा था जब जंगल में उन्हें राजा ऐसे सहमा सा भटकता हुआ सा मिला, तो वो राजा को अपने साथ घर ले आए। कुछ दिनों तक तो वापस जा जा के उन्होंने राजा की माँ को ढूंढने का प्रयास किया, पर माँ तो ना मिलनी थी ना वो मिली, तो उन्होंने राजा को खुद ही पालना शुरू कर दिया। होते होते अब 6 महीने निकल गए और अब आसपास वालों ने थोड़ी दिक्कत करनी शुरू कर दी। मकान मालिक ने भी टीटी शुरू कर दी। जो लोग खुद तो किसी काम के होते नहीं, वो दूसरे को भी अच्छा काम करता देख नहीं सकते। इसी दौरान बहुत से लोग उनके पास राजा को अडॉप्ट करने के लिए आने लगे। अब बकरे को कोई क्यों ही अडॉप्ट कर रहा होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। तो फिर वो कपल राजा को यहाँ पे पीपल फार्म ले आया। जब राजा यहाँ आया था उसे फार्म के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। कहीं भी बांध दो उसे, वो तो बस भागने को तैयार रहता था। पर वो इतना प्यारा था कि उसे देख हमारे फार्म का एक सदस्य वैभव ने उसे फॉस्टर करने का फैसला लिया। वो उसे घर ले आए और वहां पर राजा को अपने पुराने घर जैसा माहौल मिला। उसके बाद तो बस वैभव की ड्यूटी खत्म और राजा गेट पर। घर के अंदर भी इस भुक्कड़ की भूख खत्म नहीं होती। पर अगले दिन फार्म पर आते ही फिर इसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता था। दरअसल उसके इस बर्ताव का एक कारण हट है, और यहाँ एंट्री होती है बेटी जी की। ये, I'm a goat. Yes, exactly. बेटी जी को तो ना अपना स्पेस शेयर करना पसंद है और ना ही खाना, और वो ठहरी पीपल फार्म की क्वीन। फिर होना क्या था, बेटी जी उसे सारा टाइम भूली करती थी। लेकिन राजा के अंदर भी पंजाबी खून था। समय के साथ राजा ने फार्म पर अपनी जगह बना ही ली, पर दिक्कत यह है कि बेटी जी के साथ रहते रहते ना राजा के अंदर भी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम आ गई है। 2 मिनट कोई अटेंशन ना दे भाई, ये तो मुंह फुला के बैठ जाता है, और अगर इसकी बात ना मानी तो इसका गुस्सा देखने लायक होता है। अब राजा जैसा भी हो, इसकी इन सब हरकतों की वजह से वो पीपल फार्म का लाडला बन चुका है। जब वो लोग राजा को यहाँ पे लेके आए तो उन्होंने हमें बताया कि चाहे वो खुद नॉनवेज खाते हैं, पर वो राजा को कटने के लिए कैसे दे सकते थे। आखिर उन्होंने राजा को एक पेट की तरह पाला था, जैसे लोग डॉग पालते हैं। जो बात मेरी समझ से परे है वो ये कि जब दर्द हर जानवर को बराबर से होता है, चाहे उसको पालतू बनाने के लिए पैदा किया हो या खाने के लिए, तो फिर ये भेदभाव क्यों? आ...